हर समय सीखना किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कम से कम जरूरत है। डेनिस बेटले। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर कुशवाहा आपके अपने चैनल एम्बेसडर राज बहादुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य करें जिससे ऐसी उपयोगी जानकारी का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। दोस्तों, ये तो पक्का है कि आप अभी भी अमीर बनना चाहते हैं, तभी तो आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने इस सीरीज की सभी वीडियोज को ध्यान पूर्वक देखा एवं उन्हें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया तो एक दिन आप भी करोड़पति अवश्य बन जाएंगे। ये सभी नियम इतने पावरफुल हैं कि इनका प्रभाव चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को प्रभावित करेगा। तो आइए बिना विलंब के हम आगे अगले नियम को जानते हैं। दोस्तों, आपने जिस क्षेत्र को चुना है वस्तुतः उसमें सीखने और सुधार लाने के लिए आपके पास असीमित सामर्थ्य है। आपके पास कहीं ज्यादा दिमाग, योग्यता और ज्ञान है जो आप बाकी के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट आप हैं। ऐसी कोई बाधा नहीं जिस पर आप काबू नहीं पा सकते। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका आप समाधान नहीं कर सकते। वरन आपको अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है? ये तभी विकसित होगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मांसपेशी बनाने के लिए आपको कसरत करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह आपकी अपनी मानसिक मसल्स को विकसित करने के लिए उससे काम करवाना होगा। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जितना आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप सीख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी भी खेल में आप जितना खेलेंगे उतना अच्छा खेलेंगे। आपका सीखने के प्रति समर्पण जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप सीखेंगे। लीडर्स हमेशा सीखते रहते हैं, ये 21वीं सदी का सूत्र वाक्य है। आपको अपने क्षेत्र में सफलता के लिए जीवन भर सीखते रहना होगा। आज ही यह तय करें कि आप अपने स्किल को बढ़ाने के लिए हर वह चीज सीखेंगे, सीखने के लिए तैयार रहेंगे जो आपको सफलता के लिए आवश्यक है। आजीवन अपने स्किल को बढ़ाने के लिए पढ़ते और सीखते रहेंगे। जीवन भर सीखने के लिए तीन सूत्र हैं। पहला सूत्र, अपने क्षेत्र में कम से कम 30 से 60 मिनट प्रतिदिन पढ़ना। पढ़ाई और दिमाग का वही रिश्ता है जो कसरत और शरीर का होता है। हर दिन 1 घंटा पढ़ने से आप सप्ताह में 1 किताब पढ़ लेंगे। 1 किताब हर सप्ताह का मतलब हर साल 50 किताब। इसका मतलब अगले 10 सालों में 500 किताबें। औसत आदमी साल में 1 किताब से भी कम पढ़ता है। इसलिए अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो अपने क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे। जीवन भर सीखने का दूसरा सूत्र है ऑडियो सुनना। जब आप गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, साधारणतः इंसान गाड़ी से हर साल तकरीबन 500 से 1000 घंटे तक बैठता है। अपनी गाड़ी को सीखने की पाठशाला बना लीजिए। कभी भी अपनी गाड़ी बिना ऑडियो प्रोग्राम के ना चलाएं। बहुत से लोग ऐसे ही ऑडियो प्रोग्राम सुनकर करोड़पति बन गए।
यही कारण है कि ऑडियो प्रोग्राम को प्रिंटिंग प्रेस के बाद महत्वपूर्ण खोज माना गया है। जीवन भर सीखने का तीसरा सूत्र है कि हर वो कोर्स या सेमिनार अटेंड करें जो आपको लगता है कि वो आपको अपने क्षेत्र में बेहतर बनने में मदद कर सकता है। किताब, ऑडियो प्रोग्राम और सेमिनार एक साथ मिलकर आपकी 100 घंटे की बचत, हजारों डॉलर और सालों की मेहनत बचा सकते हैं और आपकी आर्थिक सफलता में मददगार साबित हो सकते हैं। जीवन भर सीखने का आज ही निर्णय लें। इससे आपके जीवन में जो प्रभाव पड़ेगा, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यह एक निर्णय आपके सुनिर्मित करोड़पति बनने का प्रमुख कारण बन सकता है। अपने क्षेत्र में सफलता के लिए इसे अपने जीवन में उतारें, अभ्यास कार्य करें, कोई एक विषय चुनें जो आपको आपके क्षेत्र में ज्यादा प्रोडक्टिव और सक्षम बना सकता है। उस विषय में बहुत ज्यादा करने की सोचें, इसे खुद से करना बनाएं और तब इस विषय पर रोज पढ़ें, इस विषय पर ऑडियो प्रोग्राम सुने, सेमिनार में जाएं। इन तीनों सूत्रों पर ऐसे काम करें जैसे अपना भविष्य इस पर निर्भर हो, और वास्तव में ये निर्भर है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे उन्हें भी सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सके। आप अपना अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य दें। हम आपके सुझावों का दिल से स्वागत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।